लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए आज शाम के आपके होस्ट का, हम सबके फेवरेट द फनीएस्ट मैन इन इंडिया, कपिल शर्मा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। You all are watching me live. I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी मां कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा मां जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुके हैं। आप सबको देख के मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं इस इवेंट में, पता नहीं ऐसे फील होता है जब आप ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स को देख लेते हो। आप फराह खान जी को देख लीजिए, उनको 100 करोड़ कमाने की इतनी जल्दी थी, फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर से पहले दिवाली पर रिलीज कर डाली उन्होंने। और राजू हिरानी साहब का कॉन्फिडेंस देखिए आप, ये साल के बिल्कुल लास्ट में फिल्म रिलीज करते हैं फिर ऐसी कमाई करते हैं 4-5 साल और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वो पैसे गिनने में 4-5 साल निकल जाते हैं। और आपने सर हमारे बाप दादाओं को झूठा साबित कर दिया जो हमेशा कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं, आपने पी के 350 करोड़ बना लिए थे। साजिद नाडियाड वाला साहब, इनकी तो बात ही अलग है। आप स्कूटर को भी किक मारे ना 3-4 किक लगती स्टार्ट होने में, इन्होंने फर्स्ट किक में 250 करोड़ से ऊपर, इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहले जब फिल्में आती थी, सीपी साहब आप इस बात के गवाह हैं, जब फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो सिल्वर जुबली मनाई जाती थी, 50 हफ्ते चलती थी तो गोल्डन जुबली मनाई जाती थी। मतलब अगर प्रोड्यूसर को पार्टी करनी होती थी तो कम से कम 25 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। आजकल वैसा नहीं, आजकल तीसरे दिन पार्टी हो जाती है क्योंकि 3 दिन में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती फिल्म। कई लोग एडवांस में पार्टी रख लेते हैं फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वीकेंड ठीक नहीं चलता, फिर पार्टी तो रख ली है एडवांस चला गया, फिर केटरिंग वाले से बहस कर रहे होते देख भाई अपना शुक्र शनिवार अच्छा नहीं गया, थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। आदमी बोल रहा होता है केटरिंग वाला, हीरो कौन है, नया लड़का एक्टर भी ठीक ठाक है, तो मेरे को पहले बता देते मैं 2-3 नॉनवेज आइटम कम कर देता, क्या जरूरत थी पहले पार्टी बुक करने की। तो आदमी क्या करे, पार्टी रखी हुई, कहते देख भाई इस पार्टी में ठीक ठीक लगा ले, अगली पार्टी में कसर पूरी कर लेंगे। कहता अगर तेरी यही फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म तुझे बनाने कौन देगा। कहते तुझे बड़ी नॉलेज है हमारी इंडस्ट्री की। कहता और नहीं तो क्या, मैं पहले प्रोड्यूसर ही तो था। सो आज की शाम की शुरुआत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स, लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई। अभी मुझे जैकलीन मिली, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स, वो कहती मैं तो करती रहती हूं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। सो मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आज हैं हम मुंबई के प्राइम फोकस स्टूडियो में, जोरदार तालियां, रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स। इंडिया का इकलौता ऐसा प्रेस्टीजियस अवार्ड शो है जिसकी नींव फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने रखी है, इसलिए यह इंडस्ट्री का सबसे विश्वसनीय अवार्ड है, अवार्ड शो ऑफ द इंडस्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री, इसलिए यह है स्टार्स के दिल के करीब। जोरदार तालियां फॉर स्टार गिल्ड अवार्ड। आज के रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड की शुरुआत करते हैं टेलीविजन अवार्ड से, और इस कैटेगरी में जो पहला अवार्ड है वो है बेस्ट ऑन गोइंग ड्रामा सीरीज का। तो बेस्ट ऑनगोइंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा दिव्या दत्ता जी और मनीष गोस्वामी साहब। कैसे हैं आप? हाय कपिल, बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बड़ी प्यारी लग रही है हमेशा की तरह आप। शुक्रिया, थैंक यू। द रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट ऑनगोइंग ड्रामा सीरीज गोज टू दिया और बाती हम। इस टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, इन्होंने अपने दिए में पता नहीं कौन सी बाती डाली, दिया बुझता ही नहीं है, तालियां होनी चाहिए।
अच्छा आप तो दो लाइनें और कुछ कह के जाइए, पता क्या, क्योंकि लोग अक्सर आपको उस गेटअप में देखते हैं, अवार्ड फंक्शन ऐसे होते हैं जब आप असली रूप में निकल के आती हैं, तो दो चार लाइनें तो कुछ एक्स्ट्रा बोल के जाइए प्लीज। थैंक यू कपिल जी, आपने मुझे मौका दिया। आप बहुत कम लोगों को मौका देते हैं। नहीं कपिल जी का क्या मतलब, मैं आपके चाचा जी का क्लासमेट हूँ, मेरे को कपिल कह के बुलाएं आप। कॉल मी कपिल, ओनली कपिल, कैप्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टार प्लस, थैंक यू टू ऑल दी ऑडियंस जिन्होंने हमारे शो के लिए वोट किया और आज हमें ये अवार्ड मिल रहा है। चार सालों बाद भी अवार्ड मिले ना मिले इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉमिनेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो बस इतना ही है कि आप हमें हमेशा नॉमिनेट करते रहिए। थैंक यू। हमारा जो अगला अवार्ड है वो है फॉर द बेस्ट अपकमिंग ड्रामा सीरीज और इसे भी आप ही पेश करेंगे सर, आप ही अनाउंस करेंगे। द रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट रीसेंट ड्रामा सीरीज गोज टू कुमकुम भाग्य। हाय एवरीबॉडी, ऑन बिहाफ ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स आई वुड लाइक टू थैंक रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड्स फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है बेस्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज का। यार ये कैटेगरी तो किसी और से अनाउंस करवा देते, मुझे देना है मुझे। एनीवेज मैं मजाक कर रहा हूं, ये जो है वो एक्चुअली फिक्शन में है, हमारा नॉन फिक्शन में आता है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मिस्टर जैकी भगनानी और मिस्टर धीरज कुमार जी को। रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडी सीरीज गोज टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दो ही आदमी चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, टीवी में मिस्टर आसिफ मोदी जी। सर बहुत बहुत मुबारक आपको। अगला टेलीविजन अवार्ड जो है वो है बेस्ट नॉन फिक्शन सीरीज के लिए और ये अवार्ड भी सर आप ही प्रेजेंट करेंगे, आप प्लीज विनर्स का नाम अनाउंस करिए। द रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट नॉन फिक्शन सीरीज गोज टू एनी गेस Yes, it goes to Comedy Night with Kapil. Yeah. और मेरा विश्वास जानिए, मैं होस्ट कर रहा हूँ इसका, इस अवार्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये आप सबका प्यार है। तो कॉमेडी नाइट की टीम से कोई आया, मैं तो आज काम पे हूँ, मेरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये मैं अपनी टीम को ही देना चाहूंगा क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं। पूरी टीम की तरफ से कपिल के लिए सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जो आदमी पूरी दुनिया को हंसा रहा है उसने हमें बहुत रुलाया है। कपिल एक ऐसा एक्टर है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसे और बेटर और बेटर और बेटर चाहिए और उसी का रिजल्ट आप देखते हैं हर वीक। थैंक यू। और अगला अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहता हूं मास्टर शेफ इंडिया के तीन महारथी, शेफ विकास खन्ना, शेफ संजीव कपूर और शेफ रणबीर बराड़। हिंदुस्तान को बड़ी खूबसूरत डिशेस दी इन लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उस दिन आपने जो मुझे स्नैक्स खिलाए और उसके पैसे भी नहीं लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। थैंक यू, ये बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बता देता हूं कि यहां पर काश हम सबके लिए खाना बना सकते लेकिन बहुत जल्दी खाना बनाने वाले हैं हम स्टार प्लस के ऊपर। मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 जल्दी आने वाला है जी, 26 जनवरी से इसका जो स्वाद है हम फैलाने वाले हैं। और मंडे टू सैटरडे 10:30 PM हर रोज इतना खाना होगा, इतना रायता होगा कि अरे सर बेस्ट विशेस। Everyone, the Reynolds Star Guild Award for Best Director Fiction goes to Mr. Rohit Jugraj for Ek Haseena Thi. Namaskar, mera naam Rohit Jugraj hai, main ek nirdeshak hoon. Ye mera pehla award hai aur isliye khushi dugni hoti hai. Main tahe dil se aap sab logon ka dhanyawad karta hoon jinhone mujhe is award ke kaabil samjha. आइए बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। जो अगला अवार्ड है वो है बेस्ट राइटर का। कहते हैं कलम की धार जो होती है वो तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है और बात भी सच है।
आप कलम से कान खुजा सकते हैं, तलवार से खुजाए तो कान गया। और सर आप ही उसको प्रेजेंट करेंगे, सो अनाउंस करिए जरा कौन है वो भाग्यशाली राइटर। द अवार्ड फॉर द बेस्ट राइटर रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड गोज टू भावना व्यास एंड मुनीषा राजपाल फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगला रेनो स्टार गिल्ड टेलीविजन अवार्ड जो है वो है बेस्ट एंसेंबल कास्ट के लिए। ये वर्ड को याद करने में जितना मुझे टाइम लगा ये मैं ही जानता हूं। और सर मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप ही जरा गुत्थी खोल लें, ये किनको मिल रहा है। द रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट एंसेंबल कास्ट गोज टू एवरेस्ट। नलिनी रत्नाम जी एवरेस्ट की कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मैं अगर दिल से कहूं तो मैं जो टीवी एक्ट्रेस हैं मैं उनकी एक्टिंग का बड़ा कायल हूं। इन्हें अक्सर ऐसे रिएक्शंस देने पड़ते हैं जैसे डायनासोर देख लिया हो। लड़की को भी नहीं पता होता क्योंकि राइटर ने आगे लिखा ही नहीं होता। वो बोलता है देखिए मैडम आप ऐसा रिएक्शन दे दीजिए, आपके रिएक्शन के हिसाब से हम कोई ऐसी चीज डाल देंगे जो आंखें खोल सके कि जिससे लगे कि हाँ इनका रिएक्शन जस्टिफाई हो रहा है। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ए ड्रामा सीरियल मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा the very hot Lisa Hedden. Lisa, can I ask you something? अगर yes. ये लंबा होता है जो उठाना ही पड़ता है तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? So why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कतल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है, इतनी खुली चीजें मिले ना उनको नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझते हमारी प्रॉब्लम। Okay, shall I give the award away? Yes, please. Okay, and the award for best actress in a drama series goes to Deepika Singh for Diya aur Baaki Hum. थैंक यू। मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी। और आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठी आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेर इज अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठी है, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई कई बार दो दो हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं। बीच में एक आध लफ्ज आता है बाबूजी। अच्छा बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरियल मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा बिकॉज माय फेवरेट लीजा इज ऑलरेडी देयर।